का नामांकन आज कांकेर जिला के मुख्यालय में हमारे प्रत्याशियों ने किया और उसमें वो उसे सम्मिलित होने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में यानी इस राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और छत्तीसगढ़ का संपूर्ण विकास के उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काफी काम। कितनी सीट आएगी इसका दावा करेंगे आप? कितनी सीट आएगी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की? जिस तरीके जनता मरमाहत है, दुखी है और इस बार आसन्न विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता। कितनी सीट पे आप जीत? पूर्ण बहुमत पर सरकार बनेगी। फिर भी आज हमारे कांकेर जिले के हमारे तीनों विधानसभा के तीनों प्रत्याशियों का एक साथ संयुक्त रूप से आज नामांकन दाखिल हुआ और जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर ऐतिहासिक भीड़ हमारे कार्यकर्ताओं और जनता के द्वारा आकर के रैली के रूप में आकर हम नामांकन दाखिला किया है तो निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूँ कि पूरे हमारे कांकेर जिले के तीनों विधानसभा अंतागढ़ भानुप्रतापपुर और कांकेर विधानसभा से यहाँ की जनता तीनों प्रत्याशियों को विजयश्री का आशीर्वाद देगी। हम कांकेर विधानसभा तीनों सीट जीत करके छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दो तिहाई बहुमत के साथ बनने वाली है। जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये सरकार भूपेश सरकार की आखिरी समय चल रहा है, उल्टी गिनती पूरी शुरू हो चुकी है। सरकार जाने वाली है और जनता का जबरदस्त जो रिस्पांस मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार यह प्रदेश में बनने वाली है। विधानसभा से एक कांग्रेस के जो सिटिंग विधायक थे वो बागी हो गए, आपको कितना फायदा मिलेगा? देखिए इस मामले में तो मैं कह नहीं सकता, कांग्रेस की आपसी गुटबाजी और उल्टे चलते इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और उसके देखिए अब 23 तारीख बाद पता चलेगा मैदान में है या नहीं। उसमें कुल मिला के कांग्रेस की जो यहाँ पर कांकेर जिले में स्थिति ठीक नहीं है और 5 साल में जनता समझ चुकी है कांग्रेस के क्रियाकलाप चाल चली चेहरा को समझ चुकी है और निश्चित रूप से बदलाव का बयार बह रहा है और छत्तीसगढ़ की जनता करारा जवाब देने वाली है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।